और अब खबर अलवर से है, जहां थोक मंडी में फड़ों पर बैठने वाले फुटकर सब्जी विक्रेताओं को मंडी समिति ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और जिससे आक्रोशित होकर करीब 500 से अधिक फुटकर सब्जी विक्रेताओं ने इसका जमकर विरोध जताया है। फुटकर विक्रेताओं का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से यहां सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन अब इस तरह हटाए जाने से उनके सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। वहीं विरोध प्रदर्शन की सूचना के बाद एनईबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश करके इस पूरे मामले को शांत करवाया। आपको बता रहे अलवर से खबर, जहां 200 से अधिक विक्रेताओं पर उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। फुटकर सब्जी विक्रेताओं ने इस पर जमकर विरोध प्रदर्शन दिखाया है। आपको बता दें कि 500 से अधिक विक्रेताओं पर अब रोजी रोटी का संकट छा गया है। फुटकर सब्जी विक्रेताओं ने इस पर जमकर विरोध जताया है, तो वहीं प्रशासन ने भी समझाइश का प्रयास किया है, मामले को शांत करवा दिया है अभी के लिए, लेकिन रोष यहां पर विक्रेताओं में देखा गया और उन्होंने कहा कि हमारे पास अब रोटी का संकट पैदा हो गया है। फुटकर सब्जी विक्रेताओं ने यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। थोक मंडी से हटाए जाने पर आक्रोशित है यहां के विक्रेता। आपको बता दें कि 500 से अधिक विक्रेताओं पर रोजी रोटी का संकट छाया है और इसी के चलते इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है प्रशासन। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता चंद्रशेखर फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी चंद्रशेखर, बताए क्या कुछ है पूरा मामला। जी बताना चाहूंगा कि अलवर की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी का मामला है। यहाँ पिछले कई दशकों से जो सब्जी मंडी के जगह है वहाँ पर थोक विक्रेता व्यापारियों और सब्जी विक्रेताओं के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। पिछले 2 दिनों से काफी विवाद यहाँ पर गहरा हुआ है। आज थोक विक्रेता सब्जी वाले हैं, उन्होंने यहाँ पर जाम लगाया है। पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और व्यापारियों की मांग है कि ये यहाँ से हटे और उनकी जो थोक विक्रेता सब्जी वाले हैं वो यहाँ पर अपनी दुकान लगाना चाहते हैं। इस बात को लेकर विवाद है। तहसीलदार और CEO यहाँ पर मौके पर है और समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। नवीन जी, ये बताएं कि प्रशासन समझाइश का प्रयास करिए, तो अब विक्रेताओं का क्या कहना है? थोक विक्रेताओं का ये कहना है कि पिछले करीब 25 साल से वो यहाँ पर अपनी दुकान लगाते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यहाँ पर उनको रोजगार मिला हुआ है, लेकिन अगर उनको इस तरह यहाँ से अचानक हटा दिया जाएगा या दूसरे स्थान उनको उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तब तक वो कहाँ जाएं, किस तरह अपने परिवार का जीवन यापन करें। इस प्रशासन भी इस मांग को कहीं ना कहीं उचित समझ रहा है कि जब तक उनको जगह उपलब्ध ना कराई जाए तब तक उनको यहाँ पर रुकने दिया जाए, लेकिन व्यापारी हैं जो अपने कड़े रुख पर अड़े हुए हैं कि यहाँ से उनको हटाया जाए, क्योंकि इनके यहाँ के लगे रहने से उनका भी कहीं ना कहीं व्यापार प्रभावित होता है। रवीना जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से अलवर से खबर बता रहे, जहां थोक मंडी पर हटाए जाने पर विक्रेताओं में रोष व्याप्त है और यहां पर उनके ऊपर रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है और इसी के चलते विक्रेताओं ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।